आपने भुने हुए चने तो खाए होंगे, पर आज हम भुने हुए चने से बनाएंगे चने के लड्डू। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 50 ग्राम काजू, 50 ग्राम बादाम ले लिया है और 200 ग्राम बूरा ले लिया है, और ये चने ले लिए हैं 400 ग्राम, जिनका मैंने छिलका उतार लिया है। ये देखिए, इनका छिलका उतार लिया है, और 200 ग्राम घी ले लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चने को मिक्सिंग जार में डाल करके पीस लेंगे, जिससे कि ये इसका पाउडर फॉर्म में आ जाएगी। तो ये देखिए, इनको मैंने पीस लिया है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा छान लेंगे छन्नी की सहायता से, ताकि जो थोड़ा बहुत इसके अंदर छिलका रह गया इसका, वो भी उतर जाए, ये निकल जाएगा, और जो मोटे थोड़े बहुत चने रह गए होंगे वो भी इसमें से अलग हो जाएंगे। ये देखिए, इसमें थोड़े थोड़े निकले हैं चने। ये मैंने बादाम को पाउडर फॉर्म में कर लिया है और काजू को भी पाउडर फॉर्म में कर लिया है। तो चलिए अब हम इसमें बनाते हैं। सबसे पहले हम बादाम को भी, बादाम पाउडर को चने के उस फॉर्म में डाल देंगे और काजू को भी डाल देंगे, और साथ में ही डाल देंगे हम बूरे को। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से पहले। ये हमारा जो लड्डू है चने के, वो 20 मिनट में तैयार हो जाते हैं जल्दी ही, और ये एक इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करते हैं। अब हम, ये मिक्स हो चुका है सारा सामान, अब इसमें हम घी डाल देंगे। घी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ताकि आप जब बनाएंगे तो उससे पता लग जाएगा कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होगी। ये देखिए, हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम घी थोड़ा सा और डालेंगे, ताकि जिससे कि हम लड्डू भी बना सकें। इसमें घी मिक्स कर रही हूँ, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। रेशा रेशा बिल्कुल इसका मिक्स हो जाएगा। और चलिए अब इसके हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। इसके हम छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे। चने के लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं, और ये इसमें फाइबर भी होता है, और ये हमारे खून को भी बढ़ाता है, और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत करता है। ये देखिए, चने के लड्डू अब लगभग तैयार हो चुके हैं। अब इसकी डेकोरेशन के लिए हम इसके ऊपर एक एक काजू का पीस रख देंगे। ये देखिए, लग रहे हैं ना बिल्कुल मार्केट के जैसे लड्डू। तो चलिए, हमारे लड्डू तैयार हो चुके हैं। आप इनको बनाइए और एक बार ट्राई जरूर कीजिए, और हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।